हिमाचल प्रदेश में मॉनसून का इस वर्ष रौद्र रूप देखने को मिला, जिससे कई जिंदगियां बारिश में लील हो गई और नुकसान की बात की जाए तो यह आंकड़ा लगभग 10,000 करोड़ से अधिक हो गया है। कुछ दिनों में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब एक बार फिर मॉनसून की रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार 23 और 24 अगस्त को एक बार फिर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि 23 और 24 अगस्त को एक बार फिर प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में 8 जिलों सिरमौर, शिमला, सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर और मंडी में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के कुछ जिलों को येलो अलर्ट पर रखा गया है। सुरेंद्र पॉल ने बताया कि इस दौरान फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्ड और लैंडस्लाइड होने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इस बाबत एडवाइजरी भी जारी की गई है। तारीख लेट नाइट के आसपास फिर से मॉनसून एक्टिव होगा। 23, 24 और 25 में फिर रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, मुख्य तौर पर 23 और 24 तारीख में। इन दिनों वाइड स्प्रेड रेनफॉल होंगे और ऑरेंज अलर्ट भी रखा हुआ जिला सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा 23 और 24 तारीख को। फिर से एक स्पेल है 23 और 24 तारीख को, और 25 में थोड़ा कम होना शुरू होगा और फिर उसके बाद जो है येलो अलर्ट हमने रखा हुआ है। तो जो है सिर्फ 23 और 24 और 25 ऐसे 3 दिन है जहाँ पे फिर से मानसून एक्टिव हो सकता है। देखिए, इस साल 2 मेजर स्पेल आए हैं रेनफॉल के जो कि बहुत पुराने, जिसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और क्लाउड ब्रस्ट की संभावनाएं अभी भी हैं, इवन कम रेनफॉल में है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जैसे लोकलाइज बारिशें हो जाती हैं, इंटेंस रेनफॉल हो जाती हैं, तो उसकी संभावनाएं हमने आगे भी रखी हैं। और